नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। जेईई एडवांस के रिजल्ट में शुभ कुमार बने बिहार टॉपर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस के नतीजे बीते दिन जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में कुल मिलाकर 1.5 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिसमें बिहार के गुवाहाटी जोन के शुभ कुमार ने जेईई एडवांस परीक्षा में ऑल इंडिया में 117 रैंक हासिल किया है। वहीं बिहार के वो टॉपर रहे। शुभ कुमार ने 396 में से 276 स्कोर हासिल किए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों की होगी ट्रैकिंग। बिहार के सरकारी स्कूल में पिछले सत्र में पढ़ने वाले सभी छात्रों की ट्रैकिंग शुरू होने वाली है। खासतौर पर एक एक छात्र के बारे में यह पता किया जाएगा कि उन्होंने अगली कक्षा में नामांकन लिया है या नहीं। स्कूलों के हेडमास्टर अपने शिक्षकों और शिक्षा सेवकों के सहयोग से शैक्षिक सत्र 2019-20 में पढ़ने वाले छात्र की जानकारी इकट्ठा करेंगे और शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए राज्य भर में चल रहे नामांकन अभियान के तहत छात्रों की अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित करेंगे। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,88,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 907 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,88,858 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 7, अरवल में 2, औरंगाबाद में 27, बांका में 10, बेगूसराय में 37, भागलपुर में 31, भोजपुर में 15, बक्सर में 4, दरभंगा में 15, पूर्वी पारण में 45, गया में 22, गोपालगंज में 38, जमुई में 6, जहानाबाद में 13, कैमूर में 9, कटिहार में 25, खगड़िया में 7, किशनगंज में 2, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 13, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 35, नालंदा में 18, नवादा में 23, पटना में 195, पूर्णिया में 35, रोहतास में 24, सहरसा में 22, समस्तीपुर में 15, सारण में 20, शेखपुरा में 6, शिवहर में 13, सीतामढ़ी में 23, सिवान में 25, सुपौल में 19, वैशाली में 20, पश्चिम चंपारण में 26। जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के 1760 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। राजस्थान हाईकोर्ट के 1760 पदों पर रिक्तियों की मांग की है, जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार hcrag.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक और लिपिक के पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए सभी उम्मीदवार 1 नवम्बर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। क्लैट 2020 परीक्षा के परिणाम की हुई घोषणा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के अंतिम परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो क्लैट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के परिणाम को देख सकते हैं, जिसके तहत सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। गौर करने की बात यह है कि 68,833 छात्रों ने इस साल क्लैट परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 86.20% क्लैट की परीक्षा में शामिल हुए थे। लखीसराय के जलप्पा स्थान में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बियावान प्राकृतिक छटाओं और घाटी नुमा भूमि के बीच अवस्थित शक्तिपीठ मां जलप्पा देवी स्थान जिले में भी काफी प्रसिद्ध है। जलप्पा देवी का आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को यहां पर खूब लगती है। इसके अलावा यहां प्रत्येक पूर्णिमा, पंचमी, अमावस्या, मंगलवार एवं शनिवार को दूर दराज के लोग पहुंचते हैं। चानन प्रखंड के पूर्व मुख्यालय बन्नू बगीचा में से 2 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी क्षेत्र और जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित जलप्पा स्थान मुख्य रूप से गौ पूजा के लिए जाना जाता है। बिहार में आने वाले 3 दिनों तक देखे जा रहे हैं बारिश के आसार। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में आने वाले 3 दिनों तक बारिश के आसार देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर भारी वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक बारिश होगी। दक्षिण बिहार में हालांकि ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में अभी भी कम दबाव का केंद्र बना हुआ है। चिराग पासवान ने बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनने की कही बात। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में इस बार भाजपा और लोजपा की सरकार बनने की बात कही है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनाई जाएगी, जिसमें लोजपा भी शामिल रहेगी। लोजपा के सभी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। आपको बता दें, चिराग पासवान की अध्यक्षता में रविवार को हुई संसदीय बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामशरण शर्मा की। रामशरण शर्मा का जन्म बिहार के बरौनी जिले में 26 नवंबर 1919 को हुआ था। रामशरण शर्मा एक प्रख्यात इतिहासकार और अकादमिक थे, जो प्राचीन और इतिहास में विशिष्ट थे। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बाद प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत का लेखन भी उन्होंने किया था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और टोरेंटो विश्वविद्यालय में संकाय का दौरा भी किया। वो स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ
साथी भी थे, वो एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेशनल फेलो और 1975 के भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। पूर्व सांसद और जदयू के नेता विश्व मोहन मंडल ने थामा राजद का हाथ। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जहां एक तरफ सभी दल धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं का पाला बदलने की राजनीति भी चालू है। इसी क्रम में पूर्व सांसद विश्व मोहन मंडल ने राजद की सदस्यता हासिल कर ली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उपस्थिति में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें राजद की सदस्यता दिलवाई है। वहीं दूसरी तरफ राजद ने 16 जिलों में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जदयू ने चुनाव के लिए पहली सूची की जारी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने पहली सूची जारी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जदयू ने 16 जिलों में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए जदयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए उनकी लिस्ट जारी कर दी है। जदयू ने अभी तक अपने 12 प्रत्याशियों को सिंबल देने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप नूतन पासवान, सत्यदेव कुशवाहा, मनोज यादव, कौशल यादव, शैलेश कुमार, नागेंद्र चंद्रवंशी, कुसुम लता कुशवाहा, वशिष्ठ सिंह, राजीव लोचन, सुदर्शन दामोदर रावत, रामनंदन मंडल का नाम शामिल है। ओवैसी ने राजद के कारण बिहार में भाजपा गठबंधन के जीतने की कही बात। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में उतरकर भाजपा को फायदा पहुंचाने की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ओवैसी द्वारा हाल ही में जारी किए गए बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल के कारण भाजपा गठबंधन जीतती रही है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी के साथ एक अलग मोर्चा गठित किया है। मुख्यमंत्री बनने की रेस की प्रबल दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी आई फिर सुर्खियों में। प्लूरल्स पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी मुख्यमंत्री बनेगी। उन्होंने इसके साथ ही जदयू से बगावत करने वाले चुनावी मैदान में उतरने की बात भी कही है। आपको बता दें पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता जदयू के MLC रह चुके हैं, हालांकि अब उन्होंने जदयू पार्टी को छोड़ दिया है, जहां अब वो अपनी बेटी का समर्थन करने वाले हैं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में सी विजिल ऐप पर आसानी से कर सकते हैं शिकायत। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके बाद अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए सी विजिल ऐप पर इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद आपके द्वारा दर्ज किए गए शिकायत के तर्ज पर संबंधित अधिकारी सख्ती से पेश आ सकते हैं, जिसके लिए बस अब शिकायत करना होगा और आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित फोटो और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे सभी स्कूल। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत 15 अक्टूबर से ग्रेडेड तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। इसके तहत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अपना मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का आदेश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने के निर्णय को लेने की छूट रहेगी। चिराग पासवान ने जारी किया एक और इमोशनल लेटर। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिन एक और इमोशनल लेटर जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार की जनता के नाम खुला संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पापा का अंशू कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा और ना ही किसी भी कीमत पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मिटने दूंगा। यह फैसला बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाज करने के लिए लिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पापा ने मुझे हमेशा कहा है कि कभी भी अकेले चलने से मत घबराना, अगर रास्ता और मकसद ठीक होगा तो लाखों लोग तुम्हारे साथ आएंगे। गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव से पहले किया रुद्राभिषेक। बिहार विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही समय रह गए हैं, ऐसे में राजद जदयू ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। इसी कड़ी में बाबा हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति होने के बाद बीते दिन पहली बार बाबा हरिनाथ मंदिर में आकर रुद्राभिषेक किया। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के हाथों बांटे सिंबल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का भाई प्रेम देखने को मिल रहा है, जिसके तहत राजद की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। वहीं राबड़ी आवास में राजद के कैंडिडेट्स को तेजस्वी ने टिकट दिए हैं। तेजस्वी अपने बड़े भाई तेज प्रताप को निराश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तेज प्रताप के हाथों उम्मीदवारों को सिंबल बंटवाया है, जिसके तहत बीते दिन सुबह से ही 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। बिहार चुनाव में NDA का सीट बंटवारे पर
कुमार विश्वास ने ली चुटकी। बिहार के विधानसभा चुनाव इन दिनों राजनीति का प्रयोगशाला बना हुआ है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि हमारा गठबंधन जदयू नहीं बल्कि भाजपा के साथ है, हम बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। चिराग के इस फैसले पर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है, भाजपा और जदयू मिलकर लड़ेंगे, लोजपा और भाजपा मिलकर लड़ेंगे, लेकिन लोजपा जदयू के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन लोजपा भाजपा के साथ महागठबंधन में लड़ेगी। हालांकि चुनाव में लोजपा जदयू के खिलाफ लड़ेगी, पर केंद्र में जदयू और भाजपा के साथ लड़ेगी। लोजपा चुनाव के बाद भाजपा और जदयू या किसी के भी साथ सरकार बनाएगी। कुछ आया समझ? चिराग पासवान ने तेजस्वी को बताया छोटा भाई। बिहार में एनडीए से अलग जाकर विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले चुके चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए हैं। वहीं इसी बीच चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने तेजस्वी को अपना छोटा भाई बताया है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं और मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में विकल्प का होना बेहद जरूरी है। गूगल मैप की मदद से आसानी से ढूंढ सकते हैं अपनी पार्क की गई कार। अब किसी भी बड़ी जगह जाकर अगर आप अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर आए हैं और भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल मैप अब आपके पार्क किए गए गाड़ी को आसानी से पता लगा सकता है। गूगल मैप की सहायता से आप अपनी कार की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसके बाद या तो आप अपने गूगल असिस्टेंट को अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए कह सकते हैं या खुद नेविगेशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए गूगल का लेटेस्ट वर्जन आपके फोन में रहना जरूरी है, आपकी लोकेशन ऑन हो ताकि आप अपनी पार्किंग की लोकेशन को सेव कर सके। बिग बॉस के घर में एक दूसरे से भिड़े सिद्धार्थ और गौहर। बिग बॉस के 14वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं सीजन के 3 पुराने कंटेस्टेंट भी आए हैं, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं। इसी बीच बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में गौहर और सिद्धार्थ एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे। दोनों के बीच अनबन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गौहर खान के साथ सिद्धार्थ भी अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं, जिसके बाद गौहर कहती है कि जैसा आप चिल्ला सकते हैं मैं भी चिल्ला सकती हूँ। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,980 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,980 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को दी मात। दिल्ली कैपिटल्स ने बीते दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 59 रनों से मात दी है। मार्क स्टोइनिस की आतिशी पारी और कगिसो रबाडा की गेंदबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने यह जीत दर्ज की है। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को 197 रनों का लक्ष्य दिया था, मगर विराट कोहली की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना सकी। पृथ्वी शॉ, मार्क स्टोइनिस की धारदार बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली ने निर्धारित ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए थे। जीतन राम मांझी ने सभी 7 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीते दिन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। मांझी इस बार भी इमामगंज से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कुल 7 सीटों में से 1 पर खुद और 2 पर रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। मांझी ने दामाद और समधन को भी इस बार टिकट दे दिया है, जिसके तहत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जदयू के कोटे से 7 सीटें मिली हैं, जिसके बाद मखदुमपुर, बाराचट्टी, टेकारी, कुटुम्बा, कस्बा, इमामगंज और सिकंदरा से हमने अपने प्रत्याशियों को उतारने का फैसला लिया है, जिसके तहत ज्योति देवी, अनिल कुमार, देवेंद्र मांझी, प्रफुल्ल कुमार मांझी, राजेंद्र यादव और श्रवण भुया को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही टेकारी से अनिल कुमार मंगलवार को नामांकन आज भरने वाले। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जितेंद्र कुमार, अरुण कुमार, कुंदन न्यूज, विशाल भान सिंह, मुस्कान चौधरी यादव, आनंद कुमार, अनिश यादव, चंचल सिंह, मंतोष कुमार, अमित यादव, ललित कुमार, भीमदेव, चिंटू यादव, अजय कुमार सिंटू, सुरेंद्र पंडित, विवेक कुमार, पवन कुमार, प्रियांशु कुमार, रिया तिवारी, रणधीर चौहान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों को दागी विधायकों को टिकट देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।